सुनील चोपड़ा जी के पास चलता हूँ। सुनील चोपड़ा जी, आपको क्या लगता है क्यों ना एक ऐसा कानून बने कि इस तरह के जो दंगाई होते हैं जी, इनसे सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्ति जब तक ना वसूली की जाए तब तक केस भी ना खुले इनके खिलाफ, नया कानून बने? मेरा ये कहना है कि आप लाख कानून बना लीजिए, लेकिन अगर पुलिस का रवैया ये हो जो बेंगलोर में था, अगर इतने योजना हुई है तो पुलिस को क्यों नहीं मालूम था? इनकी जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो तो थी नहीं। तो मेरा ये कहना है, एक पुलिस को पहले से मालूम होना चाहिए, जनता से लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि पुलिस जो है, पुलिस जब जनता उसके पास आए कुछ काम करवाने के लिए तो जल्दी कर देना चाहिए। दोनों चीजें नहीं थी, नहीं तो दंगा। तीसरी चीज, नहीं तो और ये बीजेपी की बात, अगर पुलिस जल्दी काम नहीं करेगी, बोलेगी दो तीन घंटे दे दो, तो दंगा में हो रहा है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। कश्मीर में बीजेपी के मुख्यमंत्री को आज तक बंद रखा है, यूपी में पुलिस के डीजीपी को मारा गया, डीएसपी को मारा गया बुलंदशहर में। आप कहीं जाइए, आज बीजेपी के राज में पुलिस को खुली छुट्टी है गुंडे की तरह काम करने को। मेरा ये कहना है, अच्छा पुलिस काम करे तो गुंडा, बंद नहीं काम करे तो दंगाई। सच्चे दूध के दूध हुए जो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। इज्जत पहले बनाइए। आज पुलिस पूरे देश में बेइज्जत है। और दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए, चलिए सर पुलिस बेइज्जत है तो वामपंथियों का क्या हुआ इतने सालों में, 70 सालों में, ये भी बता दीजिए। वो कांग्रेस का एमएलए है और उसका जो भांजा है वो बीजेपी का रहा है।